तो मैं कोताओ पहुंच गया हूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा जर्नी था। तो मैंने बहुत सोचने के बाद 220 बाट का सिम लिया 7 डेज का। ये चंपन है जहां से मैं फेरी लूंगा। तो एक एयरपोर्ट यहां है और दूसरा एयरपोर्ट सूरत था। तो ये दूसरा रात है बस में। कल था मैं कंबोडिया के बस में, आज हूँ मैं बैंकॉक वाले बस में। तो मेरे सामने जो दिख रहा है ये स्पीड बोट है। इस पे पवन का बाय। पहुंच गया मैं अपने डेस्टिनेशन में। तो ये है एयरपोर्ट बस S1। मैं हूँ खावसान रोड में और यहाँ से मुझे लोमपेया का ऑफिस जाना है, जहाँ पे मुझे अपना रक्सैक रखना है, क्योंकि उनके ऑफिस से ही रात को मैं बस लेने वाला हूँ चंपन के लिए। तो आज का भी दिन काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। आज मेरा दूसरा रात होने वाला है बस में, सो के निकालूंगा मैं बस में। तो यहाँ पे AIS का दिख रहा है ऑफिस। तो देखते हैं यहाँ पे सिम एकदम सही जगह पर रुका है। तो देखते हैं यहाँ पे सिम स्वादिका। सो कैन यू शो मी व्हाट प्लान्स, आई नीड फॉर 15 डेज, 2 वीक्स। या तो मैं हूँ अभी AIS 5G के स्टोर में और रिसर्च किया था, तो पता चला कि ये अच्छा सिम कार्ड है थाईलैंड में। तो अभी यहीं से लेते हैं सिम, देखते पहले कितना पैसा बोलती है। तो पता चल जाएगा कि एयरपोर्ट में महंगा है कि यहाँ पे महंगा है। यहाँ पे डेज नहीं लिखा हुआ है, तो उससे पूछते हैं कैसा क्या रहता है। ओके एंड लिटिल चीपर, चीप या मेरे को 30 डेज लेने के लिए बोल रही है, बट 15 दिन का भी मिलता है, मैंने एयरपोर्ट में देखा था। तो अभी मैं चक्कर में हूँ। 7 दिन का प्लान है, अनलिमिटेड है, 4 MB पर सेकेंड का, 220 बात का है, और मुझे एक प्रमोशन मिल रहा है 30 डेज का, 15 MB पर सेकेंड का स्पीड, मतलब 3x स्पीड, और है प्राइस 590, मतलब 600 बात। तो आई थिंक एयरपोर्ट से तो बहुत सस्ता है ये वाला 590 बात में, मेरे को 30 डेज 15 MB का स्पीड में। तो मैंने बहुत सोचने के बाद 220 बाट का सिम लिया 7 डेज का। फिर से मैं 220 बाट देके वापस रिचार्ज कराऊंगा तो हो जाएगा 240 बाट, और एक दिन का लगता है 22 या 25 बाट, तो ऑलमोस्ट 500 बाट में मेरा काम हो जाएगा। और सिम का लगता है ₹50 एक्स्ट्रा, तो 30 दिन का मुझे पड़ता 650 बाट, और अभी पड़ रहा है टोटल सिम के साथ 520 बाट, तो थोड़ा बहुत पैसे सेव हो गए। सिम एक्टिवेट हो गया है, AIS का मैंने सिम कार्ड लिया है, सही कंपनी है ये। तो अब देखते हैं कैसा रहता है। काबुन का ओ भाई साहब, यहाँ पे तो बारिश खतरनाक आ रहा है, पूरा रोड गीला हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। सो यहाँ से लोमपेया का ऑफिस बस 2 मिनट का वॉक है, तो अभी फटाफट जाके वहाँ पे अपना बैग रखता हूँ और कुछ खाता हूँ, भूख काफ़ी लग गया है और बारिश भी ज़ोर से आने वाली है, पूरा मौसम ख़राब हो गया है। पहुंच गया हूं ऑफिस में। तो ये है ऑफिस। आई हैव अ बुकिंग फॉर कोताओ, आई मीन फ्रॉम हियर टू, या सो इट्स एट नाइट, सो आई वांट टू जस्ट कीप माय बैग हियर एंड देयर। तो ये है ऑफिस लोमपेया का। तो इसी कंपनी से मैं जा रहा हूं कोताओ, तो अभी यहां पे मैं बैग रख दूंगा अपना। और मैं इस जर्नी के लिए पे कर रहा हूँ ₹3,200। थोड़ा महंगा है बट रूट भी बहुत लंबा है बैंकॉक से, पहले चंपन का बस है इनका, फिर वहाँ से फिर फेरी लेके जाना पड़ेगा। तो फ्लाइट भी ऑप्शन था बट फ्लाइट थोड़ा महंगा है और थोड़ा दूर भी है। तो सपोज़ ये चंपन है जहाँ से मैं फेरी लूँगा, तो एक एयरपोर्ट यहाँ है और दूसरा एयरपोर्ट सूरत थानी में है यहाँ पे। तो फिर यहाँ लैंड करने के बाद फिर यहाँ पहुँचना कोताओ मुश्किल है, फिर यहाँ पे लैंड करने के बाद फिर यहाँ पहुँचना मुश्किल है, तो इसमें ज़्यादा पैसा खर्च हो जाते हैं, लगभग 5-6 हज़ार रुपये। तो मैंने सोचा कि बस और फेरी का ही ऑप्शन लेते हैं, बहुत बेस्ट रहेगा। ट्रेन से भी जा सकता हूँ मैं, ट्रेन भी जाता है चंपन सूरत थानी, बट अगेन अगर ट्रेन लेट होता है तो फिर मैं सुबह का फेरी मिस कर दूंगा, क्योंकि सुबह का फेरी सिर्फ एक ही चलता है मेरे ख्याल से इनका। सही टाइम पे बारिश आ गया यार, अभी मेरे को भूख लगा था, अभी मैं सोच रहा हूँ जाऊँ तो जाऊँ कैसे और खाऊँ तो खाऊँ क्या और कहाँ, तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि बारिश कम हो जाए तो जाके कुछ खा लूँगा। मस्त बारिश हो रहा है यहाँ पे और अभी थाईलैंड में बहुत बारिश हो रही है, तो फिर देखते हैं कोताओ में कैसा रहेगा सीन। क्यों जा रहा हूँ कोताओ स्पेशल है, बताऊँगा कोताओ पहुँचने के बाद।
फिलहाल बारिश का मज़े लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी बारिश कम हो जाए. व्हाट इज़ योर नेम? Chirag. Chirag. From Bangkok. From Bangkok. Why it is raining like this? Why rain? Because beginning rainy season in Thailand. It is rainy season in Thailand? Hmm. What is your name? Huh? My name? Ashish. Ashish. Ashish, yeah. Khapunka. Khapunka. What do you thank you in India? Shukriya. 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 Khapunka. Khapunka. Yeah? In the woman. Yeah. Khapunka. Khapunka. Okay. बारिश इतना ज़ोर से हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए टाइम पास कर रहा हूँ इनके साथ बातचीत करके. तो यहाँ पे हालत ऐसा है, तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, बहुत ज़ोर से. हाय हाय, व्हाट इज़ देयर टू ईट? ओके, सही है. कंबोडिया से तो यहाँ पे खाने का रेट सस्ता है. तो मेरा खाना आ गया 130 रुपये का. अच्छा दिख रहा है और अभी फटाफट खा लेता हूँ. फ्लाइट के बाद ये अभी खा रहा हूँ, तो हालत ख़राब हो गई थी भूख से. तो फाइनली बारिश भी रुक गया है और खाना भी आ गया है, तो खाना खा लेते हैं. खपन का तो फाइनली ये है बस जिसपे हम लोग चौंपन जाएंगे. तो बहुत सारे बस है लोमप्यार लोमप्रिया के, और ये है मेरा बस. तो पहला जर्नी रहेगा लोमप्रिया, फिर वहाँ से फेरी. तो देखते हैं कैसा रहता है. और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जूता नहीं खोलना पड़ता है. A7. ओके, थैंक यू. काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है यहाँ पे और बस भी कंफर्टेबल दिख रहा है, काफ़ी बड़ा है. ये दूसरा रात है बस में. कल था मैं कंबोडिया के बस में, आज हूँ मैं बैंकॉक वाले बस में. कोथाओ जा रहा हूँ, तो आज का नींद भी मतलब पता नहीं कैसा होने वाला है. और अर्ली मॉर्निंग पहुँचने वाला चुंपन, तो कोशिश करूँगा जितना सो सकता हूँ सोऊँ और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि स्लीपर तो है नहीं, बैठ जाना है, तो कितना नींद आएगा पता नहीं. मैं कहीं तो इन बिटवीन चौंपन और बैंकॉक के बीच में तो आधा रास्ता कंप्लीट हो गया है. तो सोया हुआ था मैं, मतलब क्या सोया हुआ था, स्लीपर सीट नहीं है, चेयर वाला सिस्टम है. तो जब नींद आता है तो पैर फैलने की कोशिश करता है, और जब पैर फैलने की कोशिश करता है और फैल नहीं पाता है तब दिमाग ख़राब होता है. तो वही हो रहा है अभी फ़िलहाल. मतलब सो नहीं पा रहा हूँ, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है. तो स्लीपिंग बर्थ ही होता है. खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आपको भूख लगी है तो. अभी सुबह 3 बजे तो कुछ खाने का मन नहीं है, बस थोड़ा सा मैं अपने आप को स्ट्रेच कर रहा हूँ. थोड़ा सा वॉशरूम गया और ये है बस. और यहाँ से लगेगा दो ढाई घंटा चौंपन पहुँचने में, तो 5 या 6 बजे तक सुबह पहुँच जाएंगे वहाँ पे. देखते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत और सोने का, क्योंकि आज बहुत नींद आ रहा है, बहुत अच्छे से सोने का मन कर रहा है बट सो नहीं पा रहा हूँ. 3 hours later. तो पहुँच गया हूँ चौंपन और अभी बज रहे 6. हाँ, और ये है बस. बस राइड सही था बट सो नहीं पाया, बस यही एक तकलीफ है. बट अब देखते हैं, अभी यहाँ से 2 घंटा लगेगा पहुँचने के लिए, 2 से 3 घंटा लगेगा पहुँचने के लिए कोताओ. उसके बाद अच्छे से सोना पड़ेगा. तो चलते हैं, अभी अपना ताम झाम उठाते हैं. तो आगे स्टेशन है और यहाँ पे अपने को टिकट दिखाना है फेरी का, जो मुझे कल रात को दे दिया गया था एडवांस में. तो अभी वो दिखाना है. और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है अगर खाना पीना हो तो. रात को मैंने डिनर भी नहीं किया था, तो बिस्किट था साथ में ओरियो, तो वही खाया हूँ. और देखते हैं अभी कुछ यहाँ पे खाने को मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो. तो ये है मेरा फेरी का टिकट, बस एंड फेरी. तो ये यहाँ पे शो करना पड़ेगा, स्टैंपिंग होने के बाद फिर आगे जाएंगे. स्वाति का स्वाति
put on the bin. Where are you on the list? Yes, here. Write this number on your name. 53? Yeah, 53. तो इस टिकट में अपने को फ्री कॉफी मिलेगा, तो अपना फ्री कॉफी ले लेते हैं. Hi, Swatika, coffee please. I can take. तो यहाँ पे कॉफ़ी के मज़े लिए जा रहे हैं और ये मेरा दूसरा कप है. मैंने पहला पी के फिर बोला कि मेरे को और चाहिए, तो उन्होंने मना नहीं किया, मुझे दे दिया. और एक चीज़, यहाँ पे ट्रैवल करने के समय कल भी मुझे इस तरह कुछ टोकन लगा दिया था, स्टिकर, और यहाँ पे भी है पैंट में है स्टिकर. तो ये आई डोंट नो क्यों लगाते हैं, बट ज़रूरी है. जब मैं यहाँ पहुँचा तो एक नंबर था जो मेरा सीट नंबर था, तो वहाँ पे देना पड़ा, एंड देन उन्होंने फिर नया नंबर दिया मुझे. तो आई थिंक ये लगा के जाना पड़ेगा, एंड देन आई थिंक ये सीट के साथ रिलेटेड रहता है ये नंबर. तो अभी बज रहे हैं 6:30, 7 बजे की हमारी फेरी है, और इस तरफ पूरा का पूरा दिन हो चुका है, और अब थोड़ी देर में हमें निकलना है. एक्स्ट्रा टाइम होने का मैंने फ़ायदा उठा लिया, मैंने ब्रश कर लिया, अपना मुंह धो लिया, अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, बट फिर भी सोना है अभी मेरा. मतलब मुझे ऐसा हो रहा है ना कि कब पहुंचूं मैं, और सबसे बड़ा पंगा है कि अर्ली चेक इन का पंगा. 12 बजे का चेक इन है, अगर अर्ली चेक इन करने देते हैं तो मैं शायद सो सकता हूँ पहले, तो फिंगर्स क्रॉस्ड. तो ये है चौम्पन लोमप्रयाग का बुकिंग ऑफिस. अगर आप खुद से आते हैं यहाँ पे बिना, मतलब अगर यहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये है टाइमिंग्स फेरी का, 7 बजे, 8 बजे और दोपहर के 1 बजे. और यहाँ पे पैसे हैं, कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको, 750 बात है, और जो 8 बजे का वो सस्ता है, 550 बात का है. तो आई थिंक थोड़ा स्लो होगा वो बीच वाला. तो ये है पहला नज़ारा और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और आगे है हमारी फेरी, और मौसम भी ठीक ठाक का लग रहा है, बादल है बट बारिश नहीं हो रही है, और काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पे. एंड यहाँ से अब 1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में, 1.5 से 2 घंटा. मज़ा आया, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ कोताव पहुँचने का. मज़ा नहीं आ रहा था, मैं आ गया हूँ ऊपर, और ऊपर रूफ टॉप व्यू के साथ बैठ के अब जाया जाएगा कोताव. तो यहाँ का व्यू बहुत ही अल्टीमेट है. नीचे अजीब सा लग रहा था मुझे और मज़ा नहीं आ रहा था. थोड़ा सा एसी है नीचे, आराम से आप बैठ सकते हो, बट अभी सुबह सुबह का जो ये व्यू है ना, ये उससे भी ज़्यादा है अच्छा रहेगा. और जब अभी बोट चलेगी तो हवा भी चलेगा, तो फिर. और जिस चीज़ के लिए मैं कोताव जा रहा हूँ वो आपको आने वाले ब्लॉग से पता चलेगा कि मेरा कोताव जाने का जो मेन रीज़न है क्या है. अब जाके हवा काफ़ी तेज़ है, मैं माइक नहीं लगाया हूँ अभी, बैग के अंदर पता नहीं कहाँ पे है माइक, तो सॉरी फॉर द विंड नॉइस. बट ये जो आप विंड नॉइस सुन रहे हो ना, मैं असली में यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ ये विंड नॉइस, एंड बहुत सुंदर है. बोट काफ़ी स्पीड चल रही है, काफ़ी स्पीड. पहुंच गया हूं मैं ऑलमोस्ट कोताव के आइलैंड में, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, 5 से 10 मिनट.
information station. तो मैं कोताओ पहुंच गया हूं. काफ़ी इंटरेस्टिंग सा जर्नी था बैंकॉक से यहां तक का. मज़ा आया. जो अभी सुबह का जो राइड था वो सबसे बेस्ट था, जहां पे मैं मस्त छत के ऊपर बैठ के एंजॉय करके आ रहा था. तो अभी मैं ये ब्लॉग को ख़त्म करता हूं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है और अब जाके मैं सोता हूं क्योंकि ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है. तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैं कोताओ क्यों आया हूँ. आई मीन बहुत जनों ने गेस कर लिया होगा, बट स्टिल मैं बता दूंगा ऑफिशियली कि मैं क्यों आया हूँ. और ये है खूबसूरत सा रोड, और यहाँ पे सारे बाइक रेंटल कंपनी है. लेटर खापन का. हाँ तो मिलते हैं अगले व्लॉग में. तब तक के लिए लव योरसेल्फ, कीप होपिंग. बाय फ्रॉम कोताओ आइलैंड.